तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि हम समझेंगे कि मार्केट किस कंडीशन में एफिशिएंटली वर्क करता है और किस कंडीशन में मार्केट इनएफिशिएंटली काम करता है। बात करेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी की, तो इसका मतलब होता है रिसोर्सेस को ठीक तरीके से एलोकेट करना ताकि मार्केट में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। और मार्केट में एलोकेटिव एफिशिएंसी की जो कंडीशन है वो है कि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन फॉर द ईच गुड्स प्रोड्यूस इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। अब देखिए, जो किसी गुड्स का प्राइस है वो डिमांड कर्व के द्वारा डिसाइड होता है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सप्लाई कर्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में किसी भी गुड्स का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करेंगे तो मार्केट में एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी। जैसे कि इस केस में क्या हुआ है, डिमांड और सप्लाई ने मान लीजिए ये वाला प्राइस डिसाइड किया है जिसको कि हम क्या कह सकते हैं ओपी, और इतनी क्वांटिटी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी हमारी प्राइस है उतना ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि सप्लाई कर्व ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। तो इस केस में जब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करते हैं तो मार्केट में एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर कभी भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस में इंटरफेयर किया जाता है तो मार्केट में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाएगी, जो कि हम इस वीडियो में आगे आगे समझेंगे। तो मार्केट एफिशिएंसी के केस में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है और जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका जो सम होगा वो मैक्सिमम होगा। ये किस में पाया जाएगा, एलोकेटिव एफिशिएंसी की कंडीशन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लीजिए आप मार्केट में गए एक शर्ट को परचेज करने के लिए और आपने जैसे ही मन में आपने शर्ट को देखा, आपने डिसाइड कर लिया कि आप उस शर्ट को परचेज करने के लिए आप मैक्सिमम 1000 रुपीज दे सकते हो। यानी कि आपने अगर वो शर्ट परचेज करनी है तो आप उसके लिए मैक्सिमम 1000 रुपीज दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो विलिंग टू पे वो कितना है हमारा 1000 रुपीज है। अब मान लीजिए कि अगर वो शर्ट आपको 1200 या 1500 रुपए मिले तो क्या आप उसको परचेज करेंगे? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। आप उस शर्ट को तभी परचेज करोगे जब वो शर्ट आपको या तो 1000 रुपीज में मिल जाए या 1000 रुपीज से कुछ कम में मिलती है। मान लीजिए वो आपको उसे परचेज करने के लिए आपने जो एक्चुअल पे किया वो किया 600 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1000 रुपीज देने को रेडी थे लेकिन आपने दिए कितने एक्चुअल में 600, तो आपका जो सरप्लस हुआ 400 हुआ। इसी को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट दैट बायर आर विलिंग टू पे फॉर अ गुड्स माइनस द अमाउंट दे एक्चुअली पे फॉर अ गुड्स, यानी कि जो वो देने को रेडी हैं माइनस कर देंगे जो वो प्राइस एक्चुअली देते हैं। तो इसको कहते हैं, इस डिफरेंस को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस जो है किसी कंज्यूमर की वेल बीइंगनेस को दिखाता है, उसकी अच्छी पोजीशन को दिखाता है। तो देखिए, अगर हम डायग्राम से बात करें तो मान लीजिए ये डिमांड कर्व है जिसको आप
डिमांड के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी कर भी कह सकते हैं, यानी कि ये बताता है कि कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। मान लीजिए उसका प्राइस ये डिसाइड हुआ ओपी, तो कंज्यूमर कितनी गुड्स परचेज करेगा, ओक्यू। मान लीजिए ये ए है, ये इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम ई बोल देते हैं। तो इस केस में जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है वो कितना है, वो कितनी गुड्स परचेज करेगा, क्वांटिटी जो वो परचेज करेगा वो करेगा ओक्यू, और उसके लिए जो प्राइस पे करेगा वो करेगा ओपी। लेकिन वो विलिंग टू पे कितना है, वो विलिंग टू पे है, जो विलिंग टू पे है वो है ओ क्यू ई और ए, ये हमारा विलिंग टू पे है ओ क्यू ई ए। और जो एक्चुअल पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, वो पे कर रहा है ये वाला हिस्सा ओ क्यू ई पी, ओ क्यू ई पी। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा विलिंग टू पे है, और ये वाला हिस्सा वो एक्चुअल पे कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया, यानी कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कितना है, ए पी और ई के बराबर। यानी कि ये हिस्सा सारा का सारा विलिंग टू पे था, और वो इसने एक्चुअल पे इतना किया, एक्चुअल पे इतना किया, तो ये जो हिस्सा है ये वाला वो कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर किसी गुड्स को बेचकर जो प्राइस रिसीव करता है उसमें से माइनस कर देंगे मिनिमम प्राइस जो कि वो रिसीव करता अगर उसको गुड्स बेचनी होती, अदरवाइज वो गुड्स नहीं बेचता। इसका मतलब ये हुआ दैट प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर रिसीव ओवर एंड अबव व्हाट ही इज विलिंग टू सेल फॉर रेदर देन दी फॉरगो ऑफ सेल। यानी कि अगर वो गुड्स ही गुड्स को नहीं बेचता और उससे ऊपर जो उसको पैसा मिलेगा उसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए इसी एग्जांपल में प्रोड्यूसर ने जो प्राइस रिसीव किया, प्राइस रिसीव किया वो कितना प्राइस रिसीव किया, जो प्राइस रिसीव किया वो कितना प्राइस रिसीव हुआ, मान लीजिए 600 प्राइस रिसीव। लेकिन उसकी जो मिनिमम थी, मिनिमम जो उसको रिसीव करना था अदरवाइज वो नहीं बेचता, वो था मान लीजिए उसका जो वो था वो मान लीजिए 400 है, यानी कि उसको कम से कम 400 रुपीज तो मिलने ही चाहिए। तो इस केस में जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो 200 हुआ। इसका मतलब जो उसको रिसीव हुआ प्राइस उसमें से माइनस कर दिया जो मिनिमम प्राइस उसको मिलना ही चाहिए था। तो उसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये हमारा मान लीजिए सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व उस मिनिमम प्राइस को दिखाता है, और मान लीजिए जो प्राइस डिसाइड हुआ वो ये हुआ ओपी, अब इस केस में जो उसने जो प्राइस रिसीव किया है वो है ट्रेंगुलर जो एंगल ओ क्यू ई और ए के बराबर, ओ क्यू ई ए के बराबर, पी के बराबर सॉरी। और जो मिनिमम प्राइस उसको चाहिए किसी गुड्स को सेल करने के लिए वो है ओ क्यू ई ए के बराबर, यानी कि ये उसका मिनिमम प्राइस है जो उसको मिलना चाहिए गुड्स को सेल करने पर। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि ये हिस्सा कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस जो डिमांड कर्व से ऊपर है और प्राइस से, डिमांड कर्व से सॉरी नीचे है और प्राइस से ऊपर है, डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस से ऊपर। ये कौन सा हिस्सा है जो प्राइस से नीचे है और सप्लाई कर्व से ऊपर है, ये सप्लाई डिमांड कर्व से नीचे का हिस्सा और प्राइस से ऊपर का हिस्सा, इसमें प्राइस से नीचे का हिस्सा और सप्लाई कर्व से ऊपर का हिस्सा। तो ये कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस और ये कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर हम बात करेंगे मार्केट एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी की, तो
तो मार्केट एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी तब होती है जब किसी गुड्स का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, यानी कि जब भी प्राइस को डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करेंगे तो मार्केट में एलोकेटिव एफिशिएंसी पाई जाएगी या मार्केट एफिशिएंसी पाई जाएगी। लेकिन अगर कभी डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते या उसके अलावा कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, तो उस केस में मार्केट में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पाई जाएगी। तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं। नीचे लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स और ऊपर प्राइस। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कह सकते हैं, यानी कि ये डिमांड कर्व है हमारा। और ये हमारा जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसे आप सप्लाई कर्व भी कह सकते हो। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ वो ई पॉइंट पर हुआ, इस पॉइंट पर। इसका मतलब आपकी जो क्वांटिटी डिसाइड हुई वो हुई क्यू और जो प्राइस डिसाइड हुआ वो हुआ पी। हम इसको नाम देते हैं ए बी। अब आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है, जो क्वांटिटी है, पहले क्वांटिटी बताए थे, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, जो इक्विलिब्रियम है वो है ओक्यू क्वांटिटी, और जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो है ई क्यू भी कह सकते हो आप इसको, और ओपी भी कह सकते हो। इस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी ई क्यू है। इसका मतलब इस केस में जो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इस केस में अगर हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो जो कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया है वो है एरिया ए पी और ई, ए पी और ई। इसी तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है वो एरिया है हमारा पी बी और ई। इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा हमारा है प्रोड्यूसर सरप्लस, और ऊपर का जो एरिया है ये वाला, ये हमारा है कंज्यूमर सरप्लस। इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो है ये आपको बता रहा है कंज्यूमर सरप्लस को, और ये जो हिस्सा है ये बता रहा है आपको प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आप देख पा रहे हैं इस केस में जो टोटल सरप्लस है वो है ए बी और ई। अब मान लीजिए किसी वजह से मार्केट में कोई इंटरफेयर होता है, इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्शन करता है वहां प्राइस डिसाइड नहीं करते बल्कि प्राइस कहीं और डिसाइड करते हैं। तो हम इसको एक अलग डायग्राम में दिखा लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसी तरीके से कि ये हमारा डिमांड कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कह सकते हैं आप इसको, और ये हमारा सप्लाई कर्व है, इसे आप एमसी कर्व भी कह सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई है, क्वांटिटी प्राइस पी है, क्यू ओ बी ए। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया। अब मान लीजिए कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन करती है यहां पर, इस पर क्यू वन पर, यानी कि जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना हो रहा है। इसका मतलब प्राइस जो चार्ज किया जा रहा है वो चार्ज किया जा रहा है सी क्यू वन, यानी इस केस में जो प्राइस है वो चार्ज है सी क्यू वन, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है डी क्यू वन। इसका मतलब प्राइस जो है वो एमसी से ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि कंज्यूमर का जो सरप्लस एरिया है वो केवल इतना कंज्यूमर को सरप्लस मिलेगा, इतना कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि ये हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, सिर्फ इतना। और कंज्यूमर को जो है वो इस एरिया को लॉस हो रहा है, यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला हिस्सा जो पहले उसको मिल रहा था कंज्यूमर को, ये उसे नहीं मिल पाएगा।
तो अगर मैं इसको नंबर वन का देता हूं तो ये जो नंबर वन का एरिया है ये लॉस है, किसका? लॉस ऑफ कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर को लॉस होगा, यानी कि इस एरिया को कंज्यूमर को उसको लॉस बियर करना पड़ेगा इस एरिया का। इसी तरीके से ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस को पहले इतना मिल रहा था, लेकिन अब प्रोड्यूसर को केवल इतना हिस्सा मिलेगा, यानी कि ये जो नंबर टू एरिया है, ये वाला, ये प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, यानी कि उसको अभी ये वाला एरिया नहीं मिलेगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है वो, प्रोड्यूसर को जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ सरप्लस, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, वो एरिया टू है, यानी कि अब जो टोटल सरप्लस है इस केस में वो है हमारी बी, जो टोटल सरप्लस है इस केस में वो है हमारी बी डी सी ए, यानी कि कितने, केवल इतना सरप्लस मिल रहा है, और जो लॉस हो रहा है टोटल का वो है सी डी और ई का, ये लॉस हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि फर्म इससे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, हमारी फर्म मान लीजिए Q2 लेवल पर, इस लेवल पर प्रोडक्शन करती है Q2 लेवल पर, यानी इस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है प्राइस से, क्योंकि प्राइस हमारा कितना मान लीजिए G और H रख लेते हैं, तो जो प्राइस है हमारा वो है एच क्यू टू, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आ रही है जी क्यू टू, इसका मतलब प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जबकि जो जो उसको सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को वो कम मिल रहा है। तो इस केस में अब आप देख पा रहे हैं कि ये कॉस्ट है किसी चीज को प्रोडक्ट करने की, और ये प्राइस मान लीजिए ये प्राइस है, तो इस केस में क्या हो पा रहा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है हमारा तीसरा हिस्सा, ये लॉस हो रहा है ऑफ प्रोड्यूसर को। और अगर हम ये प्राइस मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है आई क्यू टू, लेकिन उसको यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एच क्यू टू का, तो ये जो हिस्सा है फोर एरिया, ये लॉस ऑफ कंज्यूमर है। तो डायग्राम आपको ये बताना चाहता है कि अगर अगर आप इससे कम प्रोडक्शन करते हो, इसमें देख लेते हैं एक बार, इससे कम प्रोडक्शन करते हो, ये वाला करते हो, तो आपको ये एरिया लॉस करना पड़ेगा कंज्यूमर को, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, और ये वाला हिस्सा है वो लॉस चला जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस को लॉस हो जाएगा। और अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो ये जो हिस्सा है ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है, और ये जो हिस्सा है ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है। इसका मतलब हम समरी में ये कह सकते हैं कि एलोकेटिव एफिशिएंसी तब पाई जाएगी जब मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी जब डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे तो उस केस में प्राइस और एमसी इक्वल होंगे। और अगर आप कभी इससे ज्यादा क्वांटिटी बनाते हो या कम क्वांटिटी बनाते हो तो जो आपकी टोटल सरप्लस है उसमें कमी आएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।